मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बनार विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर में, जहां से रामा सिंह जी की पत्नी बीना सिंह जी ताल ठोक रही हैं। और इस वक्त रामा सिंह जी हमारे साथ हैं। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं सब इनके समर्थक हैं और ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। कहा जा रहा है कि आप त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? ये आप लोगों का अपना आकलन है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जी। जिस लड़ाई की बागडोर जनता अपने हाथों में ले ले, उस लड़ाई के सामने कोई टिकता नहीं, कोई खराबी नहीं। इस क्षेत्र में उद्योग के, इस मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र में महनार में उद्योग धंधे की कोई मतलब उस तरह से कल कारखाने नहीं हैं, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2008 में हमने केंद्र सरकार से, जब हम लोग सरकार में थे और यहाँ की गठबंधन की सरकार थी UPA की, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी, उस समय मैं लोक जनशक्ति पार्टी से MLA था, उस समय मैं स्टील प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे लगवाया था, लेकिन सरकार बदल गई, अधर में लटक गया, आ गए सब लोग, पूंजीपति लोग आ गए, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं रहा, नतीजा हुआ। और वो सेल का था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है यहाँ पे, और उसके कारण जमीन एक्वायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ठीका हो गया, सब कुछ हो गया, काम भी करीब करीब शुरू हो गया, उसके बावजूद भी उस काम को रोक दिया। तो सरकार जो है, केंद्र में जो सरकार है, उसकी नीति विकास का नहीं है, बातें मंच से विकास की करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान और चीन और राम मंदिर में उलझे रहते हैं। तो इसीलिए उद्योग धंधा हमारे यहाँ, लेकिन मैंने प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक सफल, यदि सरकार नहीं बदलती तो हम उसमें सफल थे। क्या लग रहा है कि गरीबों की सरकार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की सरकार है, और आगे भी जो है गरीबों की बात सुनी जाएगी और निश्चित रूप से गरीबों का उत्थान होगा। लेकिन जिस प्रधानमंत्री के बारे में आप कह रहे हैं कि वो मन की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और कहते हैं कि जंगल का युवराज से बच करके, देखिए प्रधानमंत्री जी खुद अपने अंदर झांक के देखें तब उनको समझ में आएगा कि जंगल क्या है और मंगल क्या है। प्रधानमंत्री जी पहले खुद को अपने अंदर झांके, मन की बात जो है रेडियो और TV पे आपके माध्यम से करने से नहीं, अंदर पहले खुद झांकना पड़ता है, उसके बाद जो है समझ में आता है। 13 साल लोग गुजरात में देखा है और इस देश में 5-6 वर्षों में वो क्या चाह रहे हैं उसको भी जनता देख रही है, और उसी का जवाब जो है, करारा जवाब बिहार से मिलेगा। बिहार के लोग जो है काफ़ी सजग और जागरूक लोग होते हैं, और बिहार देश की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाया, और फिर अभी जो देश जो है उस दिशा में जा रही है, गृह युद्ध के दिशा में जो सरकार को ले जाना चाह रही है, उसको भी नई दिशा देगी। बिहार के जो राजनीति है यहीं से मिलेगा। नीतीश कुमार जी जिस तरह से बच्चों को लेकर के राबड़ी जी पे हमला किए कि 2 बच्चे के लिए लोग 7-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो बहुत ओछापन है कि निजी प्रहार किसी भी परिवार पर यदि व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया है, तो ये बिल्कुल ओछापन है। पहले अपने अंदर झांकिए, उनके संदर्भ में भी सब लोग जानते हैं। रमन सिंह जी के लिए क्या रोड मैप है महनार की जनता के लिए? महनार की जनता हमारे रोड मैप को देख चुकी है। मैं 30 वर्षों से यहाँ हूँ काबिज, और 30 वर्षों से लोग यहाँ हमको देख चुके हैं, आजमा चुके हैं, हम पर भरोसा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, और पुनः उसी भरोसे और उम्मीद पर हम आगे भी, मेरा प्रयास होगा कि मैं खड़ा उतरूँ, यही मेरा बस रोड मैप। रघुवंश बाबू के भाई भी चुनाव मैदान में हैं, क्या लग रहा है कि वो कोई फैक्टर होंगे रमा सिंह के लिए? कोई भी उम्मीदवार यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, एकमात्र फैक्टर राष्ट्रीय जनता दल और नया युवा सरकार जो है, युवा नेतृत्व, सभी लोग, और A to Z की जो बात हो रही है, सभी लोग, जो सामाजिक समरसता की बात होती है, सभी लोग इसमें शामिल है, कहीं कोई फैक्टर, कोई भी उम्मीदवार नहीं। आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप यहाँ से मतलब चुनाव मैदान में उतरे हैं, RJD में टिकट को लेकर बहुत घमासान हुआ था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है और RJD पूरे एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है? बिल्कुल RJD एकजुट होकर के सिर्फ महनार में नहीं, पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रही है। और टिकट का जब वक्त होता है तो हर दल में, किसी भी दल में,
बहुत आसानी से नहीं होता है। सब लोग प्रयास करते हैं, जो लोग भी परिश्रम करने वाले हैं, जो भी पार्टी से जुड़े होते हैं, हर लोगों का फर्ज बंद अपना अधिकार होता है, हक होता है, वो प्रयास करते हैं। और टिकट एक को मिलता है तो सबसे अच्छी बात है कि किसी एक को भी मिलता है तो सब लोग साथ हो करके, कई उम्मीदवार भी अभी साथ में चल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, जो उम्मीदवारी की सूची में थे उसमें आगे की कतार में थे, लेकिन टिकट जब हमको मिला तो आज हमारे साथ चल रहे हैं। राड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत और रमा सिंह जिनकी पत्नी महानार से आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रही हैं, हम आपको बता दें कि जैसा कि रमा सिंह ने कहा कि इनके सामने कोई चुनौती नहीं है और आरजेडी पूरे एकजुट होकर चुनाव मैदान में डटी हुई है और जनता पिछले 30 साल से इन्हें जानती है, लिहाजा इनकी जीत तय है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, हसनपुर।